वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी फ्रेंड श्रद्धा। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और पास में बने हुए बेल बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरी आज की रेसिपी है, ये है फौजी मटन की रेसिपी, जो कि मैं एक सीक्रेट मसाले के साथ बनाने वाली हूँ। तो जो मटन खाने के शौकीन लोग हैं उन्हें ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये रेसिपी फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और मैंने इसमें क्या सीक्रेट मसाला डाला है आप वो भी देखिए, और फिर आप भी ट्राई कीजिएगा। तो आइए फौजी मटन की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले लेंगे, और इसे एक खलबट्टे में डाल के इस तरह से हम दरदरा कूट लेंगे। तो हमें यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ करना है, हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से खलबट्टे में कूट के यूज़ करेंगे। और फिर मैंने यहाँ 1 किलो मटन ले लिया है। मैंने मटन को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ 4 बड़े प्याज लिया था, जिसमें से 2 प्याज मैं अभी मैरिनेट करने के टाइम पे ऐड करूँगी और 2 प्याज मैं फ्राई करने के टाइम पे ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 बड़े प्याज यहाँ पे ऐड कर दिया है, और 2 बड़े प्याज बारीक काट के मैंने रख लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च जो आप बोलते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक ऐड करेंगे, और बस इन सभी चीज़ों को मैरिनेट करके एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मटन मैरिनेट हो चुका है, और इसे अभी हम एक साइड में रख देते हैं। और आइए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है, उसे गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो अगर आप चाहें तो आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1/2 सरसों का तेल और 1/2 देसी घी इस तरह से भी डाल के आप बना सकते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च, और जब लौंग इसमें तड़कने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ प्याज, जो हमने 2 प्याज हमने बचा के रखा था कटा हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई करने का मतलब है कि हम प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और इस टाइम पे हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप प्याज अच्छे से अगर फ्राई नहीं करते हैं तो फिर मटन में वो टेस्ट और वो मज़ा नहीं आएगा, कलर नहीं अच्छा आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए प्याज को लगातार चलाते हुए अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसे आप फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज को कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और जब ये प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें मटन डाल देंगे। और फिर मटन ऐड करने के बाद देखिए, हमें यहाँ पे इस मटन को कम से कम 30 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। और मैंने इसमें देखिए मटन डाल दिया है, और अब हम कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मटन को कम से कम 25 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। तो अभी इसमें एकदम भी पानी नहीं है, ज़रा भी पानी नहीं है, तेल जो है वो अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी,
2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे फिर से कम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए हमें यहाँ मटन को 80% तक कुक करना है। तो जब हमारा मटन 80% तक कुक हो जाएगा उसके बाद हमें इसे खोल के चेक कर लेना है और फिर जो हम सीक्रेट मसाला जो इसमें ऐड करने वाले हैं तब उस स्टेज पे मतलब 80% कुक होने के बाद हम वो सीक्रेट मसाला मटन में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 बड़े कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था तो नमक का हमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा नमक इसमें अभी मैं दोबारा ऐड थोड़ा सा और ऐड करूँगी और उसके बाद हमें इसे 80% तक कुक होने के लिए ढक के रख देना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसे ढक के रख दिया है और ये कुक होता रहेगा। तो तब तक हमें क्या करना है, हमें सीक्रेट मसाले की तैयारी कर लेनी है। तो सीक्रेट मसाला यहाँ देखिए, सीक्रेट मसाला के लिए हम सबसे पहले हरा धनिया लेंगे, फ्रेश हरा धनिया। और आपको डंठल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डंठल के साथ ही उसे यूज़ करें। और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा जो सीक्रेट मसाला है वो बेसिकली यही है। तो यहाँ देखिए मटन भी अभी हमारा 80% कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और फिर जो हमने जो मसाला जो पेस्ट अभी जो तैयार किया है धनिए का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो अगर आपको पानी कम लगता है तो आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे फिर से कुक करना है क्योंकि मटन अभी पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है। तो ये पेस्ट डालने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर हमें इसे ढक देना है जब तक कि ये मटन गल नहीं जाता, मतलब अच्छे से पक नहीं जाता। तो मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड किया है और बस अब हम इसे ढक के रख देंगे जब तक कि ये मटन गल नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए ये जो मटन है वो पक के पूरी तरह से तैयार हो चुका है, मतलब हमारा फौजी मटन जो है वो बन के एकदम तैयार हो गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छे से ये गल चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए, नान के साथ सर्व कीजिए, चावल के साथ सर्व कीजिए, आपको ये हर तरह से अच्छा लगेगा। तो आपको ये फौजी मटन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बने हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके।